जितने भी विपक्षी नेताओं का एक ग्रुप बन गया, एक गैंग बन गया, जो विरोधी नेता हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक दूसरे का सम्मान किया करते थे, वो सब नहीं रह गए। भारतीय संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कारों के विरोधियों का एक गैंग बन गया। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान से एक बार फिर तहलका मच गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जब से कांग्रेस छोड़कर गए हैं, नियमित रूप से कांग्रेस और विपक्षी दलों की क्लास ले रहे हैं। इसी कड़ी में अब उनका एक और बयान वायरल हो रहा है। इस बयान में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आचार्य ने कहा कि विपक्ष में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों के विरोधियों का एक गैंग बन गया है, जो पीएम मोदी को हटाना और मिटाना चाहता है, क्योंकि पीएम मोदी सनातन के ध्वजवाहक के रूप में हैं। विपक्ष भारतीय संस्कृति का दुश्मन हो गया है। आचार्य पहले भी ये कह चुके हैं कि कांग्रेस में अब वो लोग हैं जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगा रहे हैं। कांग्रेस में वे लोग हैं जो सनातन धर्म पर प्रहार कर रहे हैं। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जब वे कांग्रेस में थे तो भी उन्होंने कहा था कि राम मंदिर निमंत्रण पत्र ना ठुकराएं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि ऐसा मत करिए, ये पाप है। ये वैसा ही था जैसे भगवान कृष्ण का शांति प्रस्ताव दुर्योधन ने ठुकरा दिया था। हालांकि इन बयानों से पहले भी भाजपा में शामिल होने के बाद से ही आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं और एक एक को चुन चुन कर निशाने पर ले रहे हैं। देखिए, सिर्फ कांग्रेस नहीं, जितने भी विपक्षी नेताओं का एक ग्रुप बन गया, एक गैंग बन गया। अब इसमें वो कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, चौधरी चरण सिंह जी, जो विरोधी नेता हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक दूसरे का सम्मान किया करते थे, वो सब नहीं रह गए। अब विपक्ष में भारतीय संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कारों के विरोधियों का एक गैंग बन गया कि नरेंद्र मोदी को हटाना भी चाहता है, नरेंद्र मोदी को मिटाना भी चाहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को मिटाना क्यों चाहता है, ये बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी को इसलिए मिटाना चाहता है क्योंकि नरेंद्र मोदी सनातन के ध्वजवाहक के रूप में, नरेंद्र मोदी भारत की संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में, नरेंद्र मोदी भारत की सभ्यता के संरक्षक के रूप में पूरी दुनिया में उभर करके सामने आए हैं। इसलिए इनका जो बैर है नरेंद्र मोदी से है, लेकिन नरेंद्र मोदी से क्यों है, वो इसलिए है कि ये भारतीय संस्कृति के दुश्मन है।